संत शिरोमणि आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज की जय। अहम योग प्रणेता पूज्य मुनि श्री प्रणम है सागर जी महाराज की जय। ओम अरहम नमः। तो चलिए अब हम सब मुनि श्री के चरणों में चलेंगे और उनसे आगे के तत्वात सूत्र को समझेंगे। मोक्ष मार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्म भूव्रतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव आदिनि तीर्थंकर श्री ऋषभनाथ भगवान की, वर्तमान शासन नायक श्री वर्धमान महावीर भगवान की, परम पूज्य आचार्य गुरुवर श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। अब अपना ज्ञान उनमें लगाने लगोगे, जब सब कुछ आपके ज्ञान में पहले से ही दिख रहा है, जानने में आ रहा है, तब हम क्या करें? जब हमारा मोक्ष होना होगा हो जाएगा। अब आपको दिख तो रहा ही है, जो हमारे लिए होना है वो तो होना ही है। जो हमारे लिए जब स्वर्ग मिलेगा तो मिल जाएगा, जब नरक मिलेगा तो मिल जाएगा, जो बनने होंगे उसे बन जाऊंगा, मैं क्या करूं? अब अगर मैं अच्छा कर रहा हूं तो भी आपके लिए वही निश्चित है, और बुरा कर रहा हूं तो भी आपके लिए वही निश्चित है, तो मेरे जो मन में आएगा सो मैं करूंगा, क्योंकि आपके ज्ञान में तो निश्चित है ही है। अब मैं क्या करूं? ये क्या कर लिया आपने? ये आपने एक्स्ट्रा ज्ञान अपना जोड़ लिया। ये स्वरूप का निर्णय नहीं हुआ। स्वरूप का निर्णय, जो जितना है उसको उतना ही जानो, इसका नाम सम्यक ज्ञान है। अन्यून मनति रिक्तम, आचार्य समंत भद्र महाराज आपको भी रत्नगण श्राव का चार में आगे बताने बताएंगे कि सम्यक ज्ञान का स्वरूप है न तो न्यून न अतिरिक्त। अतिरिक्त अपने तरफ से कुछ मत जोड़ने की कोशिश करो। आपको जितना समझाया जा रहा है, जितना पढ़ाया जा रहा है, आप उसको उतना ही मानो। अतिरिक्त क्या हो गया? एक एक पर्याय बिल्कुल भगवान के ज्ञान में निश्चित हो चुकी है, इसलिए किसी भी जीव को उस ज्ञान से अलावा कुछ अन्य सोचना ही नहीं चाहिए। जो कुछ था वो भगवान के ज्ञान में निश्चित हो चुका है। एक एक पर्याय अनंत काल तक की भगवान के ज्ञान में निश्चित है, इसलिए हर पर्याय के बाद में क्या आना, हर पर्याय के बाद क्या होगा, ये सब बिल्कुल क्रम से बंध गया है। इसका नाम है क्रमबद्ध पर्याय। क्या है ये नाम? तो सुना सबने? हाँ, नाम तो सब सुने रहते हैं। समझ आ रहा है? क्योंकि जो चीजें मार्केट में चल रही हैं और जो नकली चीजें हैं, गलत चीजें हैं, उनके नाम तो सुनने में जरूर आ ही जाएंगे, असली चीज के नाम भली सुनने में ना आए। आज आदमी केवल ज्ञान को ना जानता हो, सर्वज्ञता का विषय क्या है उसको ना मालूम हो, केवल ज्ञान की सिद्धि ना कर पाए, सर्वज्ञता की सिद्धि ना कर पाए, लेकिन क्रमबद्ध पर्याय की सिद्धि करने बैठ जाएगा। ये क्या है क्रमबद्ध पर्याय? कौन से आगम में लिखा हुआ है ये क्रमबद्ध पर्याय है? ये हमारा ज्ञान है कि केवल ज्ञानियों का ज्ञान है, या इस ज्ञान को हमें आचार्यों ने दिया था, या हमने अतिरिक्त उस ज्ञान में अपना ज्ञान जोड़ करके एक नई चीज तैयार कर ली? क्रमबद्ध पर्याय कहाँ है ये चीजें? कोई बताए तो हमें। आजकल तो सब लोग खूब दुनिया में सब सुन रहे हैं, सबको चैलेंज दे रहा हूं, कोई बताए तो हमें। किसी भी ग्रंथ में आचार्य के द्वारा लिखी हुई, किसी भी आचार्य के द्वारा लिखी हुई ये पंक्ति कोई हमें निकाल के दिखाए कि क्रमबद्ध पर्याय इस शब्द को इन आचार्यों ने लिखा है, इसको परिभाषित किया। सुन रहे? सबको चैलेंज दे रहा हूं, पंडितों की बातें मत करना मेरे सामने। समझ आ रहा है? हाँ, आचार्यों के द्वारा लिखे हुए शास्त्रों में बताना कहाँ ये स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है कि क्रमबद्ध पर्याय क्या होती है, कहाँ इसके बारे में डिटेल दी गई है, कहाँ ये लिखा गया है कि आप इसको इसी रूप में माने जाने, इसी से ही आपके तत्व का निर्णय होगा। आज इसके ऊपर अलग से किताबें बन रही हैं, इसको जानो,
सर्वज्ञ को जानो, इसको जाने बिना आपको तत्व का निर्णय नहीं होगा, इसके बिना आपको सम्यक ज्ञान नहीं होगा, इसी से ही सम्यक दर्शन होगा। न जाने क्या 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 है ये अतिरिक्त पना आ गया, जो बताया गया था उससे हमने अपने ज्ञान से कुछ ज्यादा जोड़ लिया, ज्यादा जान लिया। आप सिर्फ जानो जितना बताया जा रहा है। मैं मान रहा हूं केवल ज्ञान का विषय अनंत है, अनंत द्रव्यों को जानना, अनंत पर्यायों को जानना है, सब कुछ जानना है। यह सर्वाणि चराचराणि विधिवत द्रव्याणि तेषां गुणान् पर्यायानपि भूत भावि भवतः सर्वान् सदा सर्वदा जानीते युगपत् प्रतिक्षणमतः सर्वज्ञ इत्युच्यते सर्वज्ञाय जनेश्वराय महते वीराय तस्मै नमः। ऐसे वीर भगवान को मैं दिन में 3 बार प्रणाम करता हूं जिन्होंने सब द्रव्यों की सब पर्यायों को एक साथ युगपत जान लिया है। लेकिन क्रमबद्ध पर्याय का कथन, क्रमबद्ध पर्याय के बारे में भगवान ने कभी नहीं कहा। समझ में आ रहा कि सब पर्याय क्रम से बंधी हुई हैं, इसलिए आप बस मेरे स्वरूप का निश्चय करके निश्चिंत हो जाओ, आपको कुछ नहीं करना है। काल लब्धि आएगी, अपने आप कर्मों की उठापटक होगी, स्थिति अनुवाद घट जाएंगे, अपने आप आपके लिए सम्यक दर्शन हो जाएगा। सम्यक दर्शन होने के बाद में फिर अपने आप चारित्र मुनि कर्म का क्षयोपशम होकर के आपको चारित्र मिल जाएगा। काल लब्धि और निकट आएगी, अर्ध पुद्गल परिवर्तन काल जब बचा ही नहीं रहेगा, थोड़ा सा रह जाएगा, तो अपने आप आपको मोक्ष जाने का समय आ जाएगा, मोक्ष हो जाएगा। समझ आ रहा है? ये ज्ञान हम भी जानते हैं, लेकिन सिद्धांततः इस तरह के व्याख्यान आगमानुकूल नहीं होते हैं। समझ में आ रहा है? इस तरह की कोई भी पढ़ाई कहीं भी संस्थानों में पढ़ाता है तो आपको उसे अपने लिए ग्रहण करने का भाव करना ही नहीं चाहिए। यह सम्यक ज्ञान नहीं है। ज्यादा ज्ञान को अपने मतिक ज्ञान को, श्रुत ज्ञान को केवल ज्ञान में मत जोड़ो। आप इतने बड़े ज्ञानी नहीं हो गए हैं कि केवल ज्ञान की विशेषताओं को अपने जीवन में इस तरीके से आपने नए नए टाइटल निकाल करके दूसरों को बताने लग गए कि क्रमबद्ध पर्याय, सब कुछ निश्चित है, सब कुछ उपादान से ही होता है। ये ऐसी गलत गलत चीजें आप लोगों को समझाई जाती हैं, इस जैनों के बाजार में बिकने लगी हैं कि आदमी को सही चीज का तो पता ही नहीं है, बस वो गलत गलत चीजों में ही जुड़ा हुआ है। समझ में आ रहा है? आगे बताने वाले ये क्या है, ये सब स्वरूप विपर्यास कहलाता है। क्या कहलाता है? अगर हम जो बताया गया है उससे ज्यादा कुछ अपने आप को जान रहे हैं तो ये उसका स्वरूप नहीं है। स्वरूप इतना ही था। कितना सा स्वरूप है? केवल ज्ञान का विषय सब द्रव्यों की सभी पर्यायों को जानना है, ये सबको मान्य होना चाहिए। अब इससे आगे अपना ज्ञान चलाना ये अपने लिए विपर्यास का काम करने वाला है। पुरुषार्थहीन होना, पुरुषार्थ के नाम पर कर्म का उदय बताना, ये सब बहानेबाजियां, ये सब हमारे लिए सम्यक ज्ञान नहीं है। ये सब हमको सम्यक ज्ञान से बचाने वाली चीजें हैं। और इतना आग्रह हो जाना कि जब तक आप सर्वज्ञ को नहीं जान लोगे, जब तक आपको सर्वज्ञता का निश्चय नहीं हो जाएगा, क्रमबद्ध पर्याय का निश्चय नहीं हो जाएगा, तब तक आपको सम्यक ज्ञान होगा नहीं। समझ आ रहा? इतने आग्रह से बोलते हैं लोग, तो आपको ये समझना है कि ऐसे लोग जिनको कुछ भी ABCD किसी चीज़ की नहीं मालूम होती है, उन्हें केवल उतना ही पढ़ाया जाता है जितना उन्हें प्रवचन के लिए उपयोगी है। समझ आ रहा है? और पंडित बनने के नाम पर टोपी लगा लगा करके ऐसे लोग समाज में तरह तरह का भ्रम फैलाते हैं। आपको ऐसे लोगों से बचना ही चाहिए, है ना? स्वरूप का ज्ञान सिर्फ इतना ही है, किस ज्ञान का क्या विषय है, बस इतना जानो। इससे ज्यादा अपना ज्ञान लगा करके हमें कोई नया ज्ञान मत दो।
तभी आपका ज्ञान सम्यक ज्ञान रह पाएगा। तो ये सम्यक ज्ञान की शर्त है, आचार्य समंतवद महाराज ने कही है, ना तो जो बताया गया उससे कम करना और ना जो बताया गया उससे ज्यादा बोलना, जो लिखा है उतना ही बोलना, जो नहीं लिखा है वो भी आपकी समझ में यदि आ रहा हो और अगर वो आगम विरुद्ध न हो रहा हो तो ही बोलना, और अगर आगम विरुद्ध हो रहा है तो आप अपना मुंह बंद कर लेना। जरूरी नहीं है कि हम अपना ज्ञान सबके सामने बगा रहे हैं। अगर हमें कोई चीज़ नहीं आती है तो हम ये भी कहना सीखें हमें नहीं मालूम, जब केवल ज्ञान होएगा या केवल ज्ञानी होएंगे सामने तब हम पूछ लेंगे। लेकिन हम गलत भ्रम ना फैलाएं। आगम में जो शब्द दिए गए हैं, जिन चीज़ों की व्याख्याएं की गई हैं, जो सूत्र के रूप में हमारे सामने उपलब्ध हैं, हमें सिर्फ उतना ही ज्ञान दूसरों को देना चाहिए, है ना। कहीं पर भी कोई भी सूत्र में, किसी भी गाथाओं में कभी भी आचार्यों ने ये क्रमबद्ध पर्याय नाम का कोई शब्द दिया ही नहीं है। आचार्य कुंद के किसी भी ग्रंथ में मिले, इन सूत्र ग्रंथों में मिले, षटखंडागम सूत्रों में मिले, तो मैं समझूं कि हाँ कोई चीज़ है, मुझे क्या दिक्कत है किसी भी चीज़ को मानने में। कोई भी आचार्यों के ग्रंथों में, जो प्रामाणिक आचार्य हैं उनके ग्रंथों में कहीं कोई स्पष्ट व्याख्यान मिले तो कि क्या है, कहीं शब्द तक नहीं मिलता और किताबों की किताबें उपदेश के उपदेश झाड़े जा रहे हैं, ये क्या तरीका है, समझ आ रहा है। इस तरह से समाज को जागृत करना हमारा कर्तव्य है, ये किसी के प्रति कोई विद्वेष नहीं है। लेकिन जो गलत अफवाह गलत ज्ञान फैला करके लोगों को बरगलाते हैं उनको बचाना ये हमारे लिए उसी तरह से ज़रूरी है जैसे कश्मीर में पाकिस्तानी लोगों के लिए या भारत के लोगों के लिए तरह तरह के आतंकवादी ग्रुप में शामिल करने के लिए उन्हें बरगलाया जाता है और बड़े बड़े युवाओं को व्यक्तियों को उसमें शामिल कर लिया जाता है, तो उसको बचाना पड़ता है, संविधान बनाने पड़ते हैं, पुलिस लगानी पड़ती है, नियम कानून बनाने पड़ते हैं। ये जागृति है समाज की, समाज खुद अपने आप में जागृत रहे, समझ आ रहा है। इससे ज़्यादा तो हम कुछ सजा तो आपको दे ही नहीं सकते हैं, है ना, लेकिन ये आपको अपनी समाज में जागृति बना करके रखनी है। तो यहाँ कहते हैं कि केवल ज्ञान का विषय सब कुछ है, लेकिन फिर भी आप निश्चय एकांत को पकड़ करके मत बैठ जाना, क्योंकि निश्चय एकांत भी अपने आप में मिथ्यात्व कहा गया है, समझ आ रहा है। एकांत तो मिथ्यात्व है, अगर आपने ऐसी कोई अवधारणा बनाई तो वह निश्चय एकांत है और उसके कारण से आप कभी भी सम्यक्त को उपलब्ध नहीं हो पाएंगे, चाहे कितना ही सम्यक्त की चर्चा करें। आगे कौन सा सूत्र है, एकादीनि भाज्यानि, हाँ एकादीनि भाज्यानि युगपदे कस्मिन् चतुर्भ्य, हाँ अब देखो यहाँ क्या कहते हैं। अब सवाल आता है कि एक साथ एक आत्मा में कितने ज्ञान हो सकते हैं। महाराज आपने तो बहुत ज्ञान बता दिए, पांच पांच ज्ञान बता दिए, है ना, तो एक साथ कितने ज्ञान हो सकते हैं एक आत्मा में। तो आचार्य कहते हैं एक आदि, एक को प्रमुख बनाओ, माने एक भी हो सकता है, एक को आदि लेकर के भाज्यानी, भाज्यानी का मतलब होता है विकल्प, आगे के ज्ञान हो भी सकते हैं नहीं भी हो सकते हैं। कैसे, युगपद माने एक साथ, एकस्मिन माने एक आत्मा में, आ चतुर्भ्य माने चार ज्ञान तक हो सकते हैं एक आत्मा में, है ना। तो पांच ज्ञान एक साथ कभी नहीं होते। इससे क्या सिद्ध हुआ, अब एक ज्ञान होगा तो कौन सा होगा, केवल ज्ञान। केवल ज्ञान सिर्फ केवल ज्ञान में ही रहेगा, केवल ज्ञान के ही साथ रहेगा, केवल ज्ञान का और कोई साथी नहीं है। वो अकेला एक तरफ और बाकी का सारा एक तरफ। अब चार ज्ञान बचे, इन चार ज्ञानों में अगर एक दो ज्ञान एक साथ होंगे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, ये सबको पता पड़ गया है, समझ आ रहा है ना। तीन ज्ञान एक साथ होंगे तो मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान, अथवा मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान, मनः पर्याय ज्ञान। एक व्यक्ति ने अभी कल परसों प्रश्न पूछा था ना,
कि क्या अवधि ज्ञान के बिना भी मन परे ज्ञान हो सकता है? हाँ, हो सकता है। तीन ज्ञान, मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान के भी साथ हो सकते हैं, और तीन ज्ञानों का भंग मतिक ज्ञान, अवधि, श्रुत ज्ञान और मन परे ज्ञान के साथ भी बन सकता है। जरूरी नहीं कि अवधि ज्ञान हो तभी मन परे ज्ञान हो, कोई उसके लिए कारण कार्य का संबंध नहीं है। हाँ, अवधि ज्ञान मन परे ज्ञान साथ साथ होंगे तो चार का भंग बनेगा, मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान, अवधि ज्ञान और मन परे ज्ञान, ऐसे चार ज्ञान भी एक साथ होंगे, है ना। इस तरह से चार ज्ञान जो हैं ये क्षयोपशम ज्ञान हैं, ये एक साथ रह सकते हैं। क्षायिक ज्ञान किसी के साथ नहीं रहता, क्योंकि उसकी क्वालिटी ही डिफरेंट है। उसको क्या बोलते हैं? क्षायिक ज्ञान, कर्म के क्षय से उत्पन्न होने वाला ज्ञान, एक ही ज्ञान होता है। और ये सभी ज्ञान जो हैं वो क्षयोपशमिक हैं। कर्म के कवि अच्छे क्षयोपशम हो गए तो ज्ञान प्रकट हो गया, कर्म का उदय आ गया तो ज्ञान ढक गया, इस तरह से इनमें कमती बढ़ती पना चलता रहता है। तो ऐसे ये ज्ञान क्षयोपशम ज्ञान कहलाते हैं, और इन्हीं ज्ञानों में एक दूसरे के साथ रहने की स्थिति बनती है। लेकिन ये भी जानना कि अगर किसी के अंदर चार ज्ञान हैं या तीन ज्ञान हैं या दो ज्ञान हैं, तो हमारे उपयोग में एक ज्ञान ही एक बार में आता है। समझ आ रहा है? हमें लगेगा जरूर कि हम एक साथ सब सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, एक साथ सब देख रहे हैं, जान भी रहे हैं, लेकिन एक बार में एक ही उपयोग होता है। जब हमारा मतिक ज्ञान काम करता है, श्रुत ज्ञान का सद्भाव है, अभी काम नहीं कर रहा है, जब श्रुत ज्ञान काम करेगा, मतिक ज्ञान की लब्धि है, उसको बोलते लब्धि, प्राप्ति हो चुकी है, लब्धि रूप में रहेगा, लेकिन उपयोग रूप में तो मतिक ज्ञान आ जाएगा। जब अवधि ज्ञान काम करेगा तो मतिक ज्ञान, श्रुत ज्ञान लब्धि रूप में रहेंगे, उपयोग के रूप में अवधि ज्ञान आ जाएगा। दो चीजें हैं, लब्धि और उपयोग। तो जो ज्ञान से हम काम ले रहे हैं वो कहलाएगा उपयोग रूप, और जो ज्ञान हमारे लिए केवल है, कर्म का क्षयोपशम होने के कारण से उसका सद्भाव हमारे अंदर है, इसलिए वो कहलाएगा लब्धि रूप। समझ में आया? लब्धि का मतलब क्या हो गया? कर्म के क्षयोपशम की शक्ति होना, कर्म का क्षयोपशम होना, ये लब्धि कहलाती है। तो जब हमारे अंदर इस तरह की लब्धियां होती हैं तो उनका उपयोग हम कभी कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं। जिस समय पर हम उपयोग करेंगे उस समय पर उपयोग की परिणति एक समय पर एक ही ज्ञान की रहेगी। इसलिए चार ज्ञान का सद्भाव होकर के भी उपयोग में तो एक समय में एक ही ज्ञान होगा, ऐसा जानना, ठीक है। और हमेशा केवल ज्ञान तो हमेशा है ना उपयोग स्वरूप ही है, क्योंकि लब्धि तो क्षयोपशम के भाव को कहते हैं, अब वहां क्षयोपशम तो है ही नहीं, वहां तो क्षायिक भाव आ गया, तो वहां तो हमेशा उपयोग रूप ही है, वहां कोई भी चीज लब्धि में है ही नहीं, वहां सब कुछ उपयोग स्वरूप है। इसलिए एक केवल ज्ञान को यहां पर सर्वसमर्थ जानना, केवल ज्ञान को आचार्यों ने असहाय ज्ञान भी कहा है। क्या बोला है? असहाय। असहाय का मतलब आपके लिए क्या होता है? असहाय माने बेचारा, कोई सहायता करने वाला नहीं है, उसी को आप बोलते हेल्पलेस। समझ आ रहा है? लेकिन असहाय का मतलब क्या? एक तो वो जिसकी कोई सहायता करने वाला नहीं, वो तो आपके अकॉर्डिंग हो गया, लेकिन यहां आचार्य जो कहने जा रहे हैं, असहाय का मतलब जिसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं, उसको भी असहाय कहेंगे, जिसको सहायता की आवश्यकता ही नहीं। समझ आ रहा है? तो इस ज्ञान को किसी की सहायता की आवश्यकता नहीं है। आप सामने होंगे तभी हम ज्ञान कर पाएंगे, आप हमारे अभिमुख होंगे तभी हम आपको देख पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। कोई कंडीशन नहीं किसी भी द्रव्य को जानने की। समझ आ रहा है? कहीं भी, पर्वतों के पीछे, नदियों के नीचे, समुद्रों के भीतर, जो भी जीव है, पुद्गल है, सब ज्ञान में आता है। समझ आ रहा है? कितनी मोटी मोटी दीवारें हो, गुफाएं हो, अंधकार हो, कुछ भी हो, उसके अंदर भी क्या है, एक एक पॉइंट पर क्या क्या स्थित है, वो सब इस ज्ञान में आता है। तो इसके लिए उसे किसी भी सहायता की जरूरत नहीं। मन है नहीं, इंद्रियां है नहीं,
ओनली सोल, समझ आ रहा है, केवल आत्मा से होने वाला वह शुद्ध प्रत्यक्ष ज्ञान जिसे हम असहाय केवल ज्ञान कहते हैं, तो वह केवल ज्ञान एक अकेला ही रहता है। एक और आप लोगों के दिमाग में भ्रम हो सकता है, उसे भी दूर करना। कुछ लोग कहते हैं देखो केवल ज्ञान तो एक बड़ी हेलोजन हो गई और मति ज्ञान श्रुत ज्ञान छोटे छोटे बल्ब हो गए, समझ आ रहा है। जब कोई नौसिखिया होता है तो ऐसे भी सिखा देता है, तो हेलोजन की लाइट में छोटे छोटे से 25 50 100 वाट की लाइटें कोई भी महत्व नहीं रखती या नहीं दिखती, इसलिए हेलोजन की लाइट ही दिखाई देती। इसी तरीके से केवल ज्ञान में कोई भी मति ज्ञान श्रुत ज्ञान कुछ भी दिखता नहीं, कोई भी जानने वाला कोई भी काम उससे होता नहीं, इसलिए केवल ज्ञान को केवल ज्ञान कहा जाता है। तो इस तरह से समझाने वालों की समझाइश भी आप गलत समझना, समझ में आ रहा है। क्यों गलत है? अब तो आप समझ गए होगे, क्यों गलत है बोलो, आप ही बोलो, हम समझ गए, समझदार हो गए तुम लोग हैं। अरे इतना सुन रहे हो, इतना पढ़ रहे हो, कुछ तो समझ आया होगा। जब सब लाइटें जल रही हैं और उसमें हेलोजन भी जल रही है, ये तुम्हारे लिए उदाहरण तो फिट हो सकता है, लेकिन केवल ज्ञानी में भी मति ज्ञान भी है, श्रुत ज्ञान भी है, अवधि ज्ञान भी है, मन परे ज्ञान भी है और केवल ज्ञान भी है, ऐसा माने? तो फिर ये इसीलिए तो कह रहा था, ये लाइटों का उदाहरण तुम इधर अगर दोगे तो ये फिट बैठेगा कि नहीं? तो आप क्या उत्तर दोगे? अब तो बोलो, इसी सूत्र से आपको उत्तर देना है कि आपका यह उदाहरण गलत है, क्योंकि आगम में अगर हम इस तरह से स्वीकार कर लेंगे तो एक साथ पांच ज्ञान होने की आपत्ति आ जाएगी। कुछ भी वकालत नहीं पड़े हो, तर्क करना कुछ भी नहीं आता है? अगर हम इस तरह के आपके उदाहरण को स्वीकार करेंगे तो क्या होगा, ये आपका उदाहरण दृष्टांत आपकी व्यवहारिकता में फिट भले ही बैठे, लेकिन ये केवल ज्ञान के साथ फिट नहीं बैठ सकता, क्योंकि यह दृष्टांताभास है, क्योंकि यह स्वरूप के विपरीत जा रहा है, स्वरूप विपर्यास इसी का नाम है। केवल ज्ञान के साथ में कोई भी ज्ञान नहीं होते हैं, छायिक ज्ञान के साथ में छायोपशमिक ज्ञान नहीं होते हैं, तभी तो एक अकेला कहा जा रहा है ना, सुन लिए, समझ लिए? हाँ कहलवाते तो हाँ कर देते हो, अपने मन से कुछ बताते नहीं हो तो इसलिए अगर कभी कोई ऐसा कहे तो कहना तुम्हें अभी कुछ भी पता नहीं है, तत्वार्थ तुमने सुना नहीं है, अपने मन से कुछ भी बोले जा रहे हो, है ना, हमने तत्वार सूत्र पढ़ लिया है, केवल ज्ञान रूपी हेलोजन के सामने किसी भी बल्ब की भी कोई आवश्यकता नहीं है। ये वो सिस्टम है कि जैसे ही केवल ज्ञान की हेलोजन जलेगी सब कनेक्शन कट ऑफ हो जाएंगे, सब भ्रष्ट हो जाएंगे बल्ब, ऐसा नहीं है वो भी जलते रहेंगे, वो सब भ्रष्ट हो जाएंगे। इसका फोर्स इतना है कि इसका वोल्टेज इतना है कि बाकी के सारे बल्ब इसके वोल्टेज को सहन ही नहीं कर पाएंगे, ये बोलना, समझ आ रहा है? ऐसा तो उदाहरण किसी भी चीज का व्यावहारिक रूप में मिल सकता है, लेकिन सिद्धांत से अगर वो उदाहरण मैच करेगा तब तो वो उदाहरण हम कहेंगे हाँ ठीक है, मान रहे हैं। अगर वो उदाहरण सिद्धांत विरुद्ध जा रहा है तो उदाहरण भी उदाहरण नहीं कहलाता है, समझ आ रहा है? तो हर चीज यूं नहीं है कि कोई भी हम उदाहरण देकर के किसी भी चीज की सिद्धि कर दें, उदाहरणों से चीजें की सिद्धि नहीं होती है, स्वरूप पहले होता है, सिद्धांत पहले होता है, सिद्धांत का समर्थन यदि उदाहरण से हो रहा है तो हमें एक्सेप्ट है, और अगर सिद्धांत का समर्थन उससे नहीं हो रहा है तो वो उदाहरण भी गलत है। वो आपके लिए ठीक होगा उदाहरण, बल्ब के लिए ठीक होगा, केवल ज्ञान की लाइट के सामने वो उदाहरण भी भ्रष्ट हो जाएगा, समझ में आ गया? तो इस तरह से आपके दिमाग बिल्कुल खुले हुए होने चाहिए, दिमाग में हर चीज बिल्कुल स्पष्ट रूप से झलकनी चाहिए, कोई भी कुछ भी कहे उससे पहले सोचना चाहिए कि ये सिद्धांत के साथ है या सिद्धांत विरुद्ध है। तो आपके पास में ये सूत्र इसीलिए पढ़ाए जा रहे हैं कि आपको अब तर्क करने की, सूत्र के साथ में बोलने की एक क्षमता आ जाए, है ना,
अगर ऐसा होगा तो एक साथ पांच ज्ञान हो जाएंगे, अगर सबरे बल्ब भी जल रहे हैं और हेलोजन भी जल रही है तो, है ना, तो सब एक साथ नहीं जल सकते हैं। जैसे ही छाय ज्ञान की हेलोजन जलेगी सबरे बल्ब भ्रष्ट हो जाएंगे, छाय उपस में ज्ञान टूट के गिर पड़ेगा, समझ आ रहा है ना। इसलिए एक साथ में एक ही रहेगा, उसका वोल्टेज इतना हाई है। ऐसे इस ज्ञान की परिणतियों को एक साथ बताने के बाद में आचार्य कहते हैं, थोड़ा सा और पढ़ लें, मति श्रुतावधियो विपर्ययश्च। अब यहां पर सम्यक ज्ञान का वर्णन होने के बाद में लास्ट में मिथ्या ज्ञान का भी वर्णन कर रहे हैं और ये बता रहे हैं कि विपर्यय माने विपरीत रूप तीन ज्ञान होते हैं। कौन कौन से? मति ज्ञान, श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान। ये विपरीत रूप भी होते हैं, मतलब कि ये मिथ्या ज्ञान भी कहलाते हैं। और ये मिथ्या ज्ञान होंगे तो क्या होगा, इनके साथ में ज्ञान तो होगा लेकिन ज्ञान विपरीतता को लिए हुए होगा। मान लो मिथ्या दृष्टि भी वही शब्द सुन रहा है जो हम बोल रहे हैं, मिथ्या दृष्टि भी नारियल को नारियल ही देख रहा है और सम्यक दृष्टि भी नारियल को नारियल ही देख रहा है, मिथ्या दृष्टि भी मनुष्य को मनुष्य ही देख रहा है जान रहा है, सम्यक दृष्टि भी मनुष्य को मनुष्य ही जान रहा है, समझ आ रहा है। मति श्रुत ज्ञान सम्यक दृष्टि का भी इसी रूप में काम कर रहा है और मिथ्या दृष्टि का भी वैसा ही जानने में आ रहा है, अवधि ज्ञान भी अगर हो तो वैसा ही जानेगा, लेकिन फिर भी अंतर होएगा। अंतर क्या होएगा? वो विपरीतता के साथ जानेगा। विपरीतता किसमें होगी? तो आचार्य कहते हैं तीन चीजों के साथ विपरीतता होती है, स्वरूप का विपर्यास इसी को बोलते हैं, स्वरूप विपर्यास होगा, दूसरा कारण विपर्यास कहलाता है और तीसरा भेदा भेद विपर्यास कहलाता है। इन तीन चीजों की विपरीतता के साथ में उसका ज्ञान होगा। इसको समझने के लिए आपको अभी कल का दिन भी है ना, चलो ठीक है, है ना, बिल्कुल देखो बढ़िया सेट हुआ है, कल तक हो जाएगा आराम से, है ना। तो जो लोग चिंता कर रहे थे एक अध्याय भी पूरा होगा कि नहीं होगा, है ना, वो चिंता मुक्त हो। तो स्वरूप विपर्यास, कारण विपर्यास और भेदा भेद विपर्यास। ये विपर्यास माने बुद्धि के अंदर विपरीतता बैठी हुई है, भले ही आप जानने वाली चीजों को वैसा जान रहे हैं, है ना। एक सिंपल सा इसका उदाहरण यही है कि जैसे मान लो किसी ने मनुष्य को देखा, सम्यक दृष्टि होगा तो मनुष्य को मनुष्य देखते हुए भी क्या जानेगा, इसकी आत्मा, इसके कर्म, इसके शरीर, ये सब अलग हैं। आत्मा कर्म के उदय से ये मनुष्य गति को प्राप्त की गई है, ये कौन जानेगा? सम्यक दृष्टि जानेगा। मिथ्या दृष्टि क्या जानेगा? भगवान ने इसको मनुष्य बना करके भेज दिया, समझ में आ रहा है, ये स्वरूप विपर्यास हो गया। या जो आदमी देख रहा है उसकी आत्मा तो उस जानते ही नहीं, वो तो जो ये आदमी है वही सब कुछ है, आदमी गया सब कुछ गया, इसके बाद में कुछ नहीं है, आत्मा आत्मा तो कोई चीज होती नहीं है, जो कुछ है सो बस इसकी शरीर है, इसका मन है, और जैसा मेरा शरीर मेरा मन है वैसे इसके पास इसका शरीर इसका मन है। तो आत्मा का तो उसको कोई भेद अभेद कारण कार्य स्वरूप कुछ भी उसके ज्ञान में है नहीं। आगे बात सुन, तो मनुष्य को मनुष्य रूप देखते हुए भी जानते हुए भी मति श्रुत ज्ञान के माध्यम से वह चीज समझते हुए भी उसके लिए वह विपरीत रूप में जानने में आ रही है, वो विपरीतता गहरी बैठी हुई है, समझ आ रहा है। अगर समय मिला तो इसकी डिटेल फिर करेंगे। बोलो ओम अरहम नमः। तो चलिए आज की कक्षा का क्विक रिवीजन कर लेते हैं। आज हमने जाना कि केवल ज्ञान का स्वरूप अनंत द्रव्यों को अनंत पर्यायों के साथ जानता है। आचार्य समंत्र पद में सम्यक ज्ञान के बारे में कहा है, अन्यून मनितरिक्तम, अर्थात न तो न्यून न अतिरिक्त, जैसा है वैसा ही जानो। हमने प्रचलित भ्रांति क्रमबद्ध पर्याय को समझा। इन पंडितों का तर्क है कि यदि अनंत काल तक एक एक पर्याय भगवान के ज्ञान में निश्चित है तो हर पर्याय के पहले का और बाद का क्रम फिक्स्ड है, बंध गया है, अतः क्रमबद्ध पर्याय। क्योंकि सभी पर्याय निश्चित हैं, हमें सिर्फ क्रमबद्ध पर्याय का निश्चय करना है और कुछ नहीं करना, बाकी सब तो काल उपधि आने से स्वतः ही हो जाएगा।
सब कुछ उपादान से ही होता है। इस तरह के तर्क आगम अनुकूल नहीं है। किसी भी प्रामाणिक आचार्य ने क्रमबद्ध पर्याय को परिभाषित नहीं किया है, सिर्फ लोगों को भ्रमित किया जा रहा है। स्वरूप विपर्यास का मतलब है जो स्वरूप हमें बताया गया है उससे अधिक जानना, जो स्वरूप के अलावा है। जैसे केवल ज्ञान का विषय सब द्रव्यों की सभी पर्यायों को जानना है, मगर इसमें यह कहना कि सभी पर्याय निश्चित हैं, क्रमबद्ध पर्याय हैं, स्वरूप विपर्यास हो गया। निश्चय एकांत भी मिथ्यात्व है। सूत्र 30 में हमने समझा कि एक आत्मा के एक साथ चार ज्ञान तक हो सकते हैं, पांच ज्ञान एक साथ कभी नहीं होते। एक ज्ञान होगा तो केवल ज्ञान होगा, यह अन्य चरपशम ज्ञानों के साथ नहीं रहता है। दो ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान होंगे, तीन ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान के साथ अवधि ज्ञान और मनेपर्य ज्ञान में से एक होगा, चार ज्ञान होंगे तो मति ज्ञान श्रुत ज्ञान अवधि ज्ञान और मनेपर्य ज्ञान होंगे। हमने जाना कि जिस ज्ञान से हम काम ले रहे हैं वह उपयोग रूप है, और जिस ज्ञान का सद्भाव हमारे अंदर कर्म के क्षयोपशम के कारण है वह लब्धि रूप है। इसे हम उपयोग कर भी सकते हैं और नहीं भी। केवल ज्ञान हमेशा उपयोग रूप ही होता है, यह सर्व समर्थ होता है, इसे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है, इसीलिए इसे असहाय भी कहते हैं। मिथ्या ज्ञान के बारे में सूत्र 31 में हमने जाना कि मति ज्ञान श्रुत ज्ञान और अवधि ज्ञान विपरीत रूप भी होते हैं, क्योंकि यह ज्ञान विपरीतता को लिए हुए हैं। जैसे मति श्रुत ज्ञान से मनुष्य को सिर्फ मनुष्य जानना, आत्मा नहीं जानना। तो चलिए अब हम सभी चिन्मानी स्तुति करेंगे और तत्पश्चात समय होगा आज के सवाल का। प्राकृत में जिनवाणी स्थिति है ये। सृजिण वाणी जग कल्याणी, जग जन मदतम मोह हरी, जन मन हारी गढ़हर हारी, जम जरा भव रोग हरी। तिथिय राणम दिव्य झुणिम जो पड़ई सुणई मई ये धारई, राणम सौख मणंतम धरिय, सासद मुख पदम पावई।